राहुल गांधी के अध्यक्ष पद संभालने के बाद खास तौर पर कांग्रेस पार्टी की युवा टीम में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। मेरे साथ है मिलिंद देवड़ा, जो अक्सर अपने ट्वीट्स की वजह से सोशल मीडिया में हलचल मचाए रहते हैं। मिलिंद, सबसे पहले तो ये कि अध्यक्ष पार्टी का बदल गया, क्या वर्किंग स्टाइल भी बदलेगा, कार्यशैली भी बदलेगी? देखिए, जैसे आपने कहा कि एक खुशी के दिवस है सभी कांग्रेस कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेताओं के लिए, और मैं मानता हूँ हर भारत के हर युवक के लिए जी, कि राहुल जी आज कांग्रेस पार्टी, जो कि देश का और दुनिया का सबसे बड़ा और पुराना राजनीतिक आंदोलन है, इस पार्टी के अध्यक्ष बन चुके हैं राहुल जी। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ आपके माध्यम से, और मुझे पूरा यकीन है कि राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी हर भारतीय के लिए संघर्ष करेगी, चाहे वे युवक हो या वरिष्ठ नागरिक हो, चाहे वे मुंबई जैसे बड़े शहर में रहते हैं या ग्रामीण क्षेत्र में, राहुल जी हर भारतीय की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए काम करेंगे। मिलिंद, अपनी पहली ही स्पीच में, अच्छा पहले तो ये बताइए कि राहुल गांधी को पहली बॉल बाउंसर मिली है, पहला इम्तिहान प्रेसिडेंट के तौर पर है, गुजरात का चुनाव और एग्जिट पोल के नतीजे जो हैं वो नेगेटिव दिखा रहे हैं। ये सब इन चीज़ों पर मैं एग्जिट पोल्स में, एक तो मैं कभी विश्वास नहीं करता, और राहुल जी को यदि आपको जज करना है, यदि मीडिया को जज करना है, यदि पॉलिटिकल पंडित्स को जज करना है, यदि आम वोटर को जज करना है, तो आप आज से जज शुरू कीजिए, क्योंकि आज से उनके पास जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है अध्यक्ष के रूप में। अच्छा, राहुल ने अपनी पहली ही स्पीच में जिस तरीके से बीजेपी को टारगेट किया है और देश की पॉलिटिकल सिचुएशन पर अपनी बात कही है, उससे ये साफ इरादे मिलते हैं कि आने वाले दिनों में बीजेपी जो है अपने आप को बीजेपी का विकल्प पेश करना उनकी सबसे बड़ी चुनौती है। देखिए, राहुल जी की जो लड़ाई है, संघर्ष है, वे ईमानदारी से लड़ना चाहते हैं, वे व्यक्तिगत रूप से नहीं, और वे चाहते हैं कि युवकों को एक विकल्प मिलना चाहिए, उनको रोजगार मिलना चाहिए, यही उनका सबसे बड़ा काम और मिशन होगा। मिलिंद, आप एक इम्पोर्टेंट मेंबर हैं टीम राहुल के भी, सिर्फ ये बताइए कि क्या राहुल के सामने चुनौती मुश्किल है आज की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है देश की, सिर्फ 44 सीटों पर और आधा दर्जन राज्यों में कांग्रेस की चुनौती देश के हर नागरिक के लिए एक बड़ी चुनौती है। तो ये थे मिलिंद देवड़ा, जो कह रहे थे कि राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद चूंकि आज संभाला है तो उन्हें आज से ही जज किया जाना चाहिए। क्विंट के लिए नीरज गुप्ता, कांग्रेस हेडक्वार्टर से।